नींद हमें डेली कितनी करनी चाहिए, कोई कहता है 6 घंटे सोना चाहिए, कोई कहता है 8 घंटे सोना चाहिए और कोई कहता है कि 10 घंटे रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितने घंटे की नींद हमें करनी चाहिए और कैसे बगैर डिस्टर्बेंस के आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक रात सोने से हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स को रिप्लेस करती है और एक्सरसाइज के बाद हमारे ब्रोकन मसल टिश्यूज को रिपेयर करती है, क्योंकि जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए नींद का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा नींद में हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमने दिन में ली होती है तो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से हमें चीजें याद रहती हैं। अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा हम नींद में गुजारते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नींद हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारे मसल्स को बिल्ड करने और फैट को बर्न करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब मैं आपको नींद के 4 स्टेजेस बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज कुछ ही मिनट्स का होता है, जिसमें आपकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग और आई मूवमेंट्स स्लो हो जाती हैं और आपके मसल्स रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, बट आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है और थीटा वेव्स आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब में होती हैं। इस स्टेज में किसी को भी नींद से जगाना बहुत इजी होता है और हल्की सी आवाज से भी आंख खुल जाती है। जैसे आपने कभी खुद नोटिस किया होगा कि टीवी देखते देखते आपकी आंख 2 मिनट के लिए लग जाती है और फिर अचानक से खुल जाती है, फिर आपको रियलाइज होता है कि अब सख्त नींद आ रही है और उसके बाद आप सोने के लिए चले जाते हैं। अब ये सेकंड स्टेज की नींद होती है, इसमें बॉडी डीप रिलैक्सेशन में चली जाती है। आपकी हार्ट बीट फर्स्ट स्टेज की निस्बत मजीद स्लो हो जाती है, आपके मसल्स ज्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, आपकी आई मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है। इन सब की वजह से हमारी बॉडी के एनर्जी सिस्टम भी ड्रॉप हो जाते हैं, जिसे हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये इस वजह से है कि हमारे मसल्स बहुत कम एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी के दूसरे प्रोसेसेस भी स्लो हो जाते हैं। इस स्टेज में आपका ब्रेन न्यू मेमोरीज को प्रोसेस करके फिल्टर करता है जो लास्ट डे आपने एक्वायर की थी। ये एक और रीजन है प्रॉपर नींद के लिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपने पूरे दिन में जो लर्न किया होता है तो आपका ब्रेन उसे अच्छे से मेमोराइज कर लेता है। सेकंड स्टेज के बाद आप थर्ड स्टेज में एंटर हो जाते हैं, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं। अगर आपने कभी किसी बंदे को नींद से जगाने की कोशिश की हो और उस बंदे ने कोई खास रिस्पॉन्स न दिया हो तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स नींद के थर्ड स्टेज में था। इस स्टेज में आपकी ब्रीदिंग, हार्ट रेट और मसल टेंशन मजीद कम हो जाती है और आपकी बॉडी ब्रेन की एक्टिविटी को मजीद रिलैक्स करती है। स्टेज 3 में आपकी बॉडी बाकी दोनों स्टेजेस की निस्बत ज्यादा अच्छे से रिकवर करती है, जिससे आपका फैट कम होता है और मसल्स ग्रो होते हैं। इस स्टडी के मुताबिक नींद आपके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करती है, जिससे एक्सरसाइज के बाद आपकी रिकवरी अच्छी होती है और आपके मसल्स भी जल्दी ग्रो करते हैं। एंड स्टेज 3 आपके इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। स्टेज 4 में आपको ड्रीम्स का एक्सपीरियंस होता है और आपकी बॉडी एटोनिया में चली जाती है। एटोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसल्स आरजी तौर पे पैरालाइज हो जाते हैं। 2004 की स्टडी के मुताबिक स्टेज 4 के ड्रीम्स ज्यादातर हकीकत पर मंबी नहीं होते और बहुत अजीबोगरीब भी हो सकते हैं। नींद के दौरान हमारी बॉडी में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत से हार्मोन्स हैं जो हमारी नींद में कम या ज्यादा होते हैं। उनमें से एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो नींद में इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू 2015 स्टडी, टेस्टोस्टेरोन नींद में सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। तो अगर आप सारा दिन काम कर करके थक जाते हैं और प्रॉपर नींद नहीं करते तो इससे आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। इस स्टडी में 530 चाइनीज मेन पे एक्सपीरियंस किया गया और स्टडी के एंड रिजल्ट में ये ऑब्जर्व किया गया कि हर घंटा एक्स्ट्रा सोने से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में 15% तक इजाफा हुआ। एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन जो नींद में बहुत ज्यादा रिलीज होता है उसे HGH कहते हैं। HGH फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है और मसल लॉस होने से प्रिवेंट करता है। अब मैं आपको सोमनेम्बुलिज्म के बारे में बताता हूं, जो कि एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, बट ओवरऑल पॉपुलेशन में से जस्ट 2.6% लोग ही इस कंडीशन का शिकार होते हैं। नॉर्मली स्लीप वॉकर्स उठ के थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं या कुछ खा पी भी लेते हैं, बट कुछ केसेस में स्लीप वॉक डेंजरस भी होती है, जैसे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट यूज करना या कार ड्राइव करना। फॉर एग्जांपल, 2015 की यूके की एक न्यूज है जिसमें एक 15 साल लड़की नींद की हालत में 130 फुट क्रेन पर चढ़ गई और वो वहां काफी देर तक नींद की हालत में रही और एक फायर फाइटर ने आके उसको रेस्क्यू किया। इसलिए अगर आप किसी को भी नींद में चलता हुआ देखें तो फौरी तौर पर उसको जगा दें। अच्छा, नींद से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि काफी लोगों को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जब वो सोने के लिए जाते हैं तो 2-2 घंटे उनको नींद ही नहीं आती। ये प्रॉब्लम आजकल काफी इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से आपकी नींद भी पूरी नहीं होती और आपका टाइम भी वेस्ट होता है और अगले दिन आप सारा दिन थकावट महसूस करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको नींद भी जल्दी आएगी और आप एक हाईएस्ट क्वालिटी की नींद को मुमकिन बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि एक्सरसाइज डेली करनी है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिजिकली एग्जॉस्ट होती है, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने एक कंसिस्टेंट रूटीन बनानी है, क्योंकि एक अच्छी नींद के लिए आपकी रूटीन का कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश ये करें कि आपका रात को सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम एक ही हो, ताकि आपकी बॉडी स्लीपिंग स्केड्यूल को अडॉप्ट कर सके। अगर आप डेली डिफरेंट टाइम पे सोएंगे और उठेंगे तो इससे आपको नींद में प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 3 पे ये है कि आपने अपने मैट्रेस का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके मैट्रेस का आपकी नींद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने इस बात का मेक श्योर करना है कि आप जो भी मैट्रेस सेलेक्ट करें वो आपके जॉइंट्स को हर्ट ना करे, और जिन लोगों को लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो वो ऑर्थो मैट्रेस को सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर वो नॉर्मल मैट्रेस पे सोते रहेंगे तो इससे उनका लोअर बैक का पेन मजीद वर्स हो जाएगा। और नंबर 4 पे ये है कि जिन चीजों में भी कैफीन है, जैसे कॉफी है या एक्सरसाइज से पहले आप प्री वर्कआउट अगर कोई भी लेते हैं, तो उनको आपने 6 बजे के बाद नहीं लेना, वरना आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान और ऑनलाइन वर्कआउट्स प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।